एनालिस्ट ने भाजपा को नहीं बताया था कि आपका कुछ वहां पे हो सकता है या आपका कोई चांस है लेकिन जिस तरह की जीत हुई है और वहां पर ट्राइबल वोट और यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा कम नहीं हुआ है तो ऐसा कौन सा नहीं नहीं वाले सब परेशान है कि पॉलिटिक्स क्यों पूछ रहे आंगनबाड़ी क्यों नहीं पूछ रही <laughs> नहीं, नहीं आ, ये ये चर्चा आंगनबाड़ी से रिलेटेड है मैम क्योंकि एक सेक्शन है जिनको शायद काउंट नहीं किया जाता था वो अब काउंट हो रहे हैं और वो शायद आपके जीत में ट्रांसलेट हो रहा है। देखिए आप छत्तीसगढ़ के ट्राइबल परिवारों की भूमिका के अगर बारे में चर्चा करना चाहें तो वो भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता दो तीन विषय पर आपकी मैं चाहूंगी कि आपका ध्यान आकृष्ट हो पहला हमारे देश के इतिहास में पहली बार एक गरीब आदिवासी परिवार की महिला को देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने जब प्रस्तुत किया राष्ट्र के सम्मुख तो एक अपेक्षा ये थी कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी इस समुदाय की महिला को और ये महिला ऐसी हैं जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है संविधानिक कई विशेष पदों पर उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा रही थी कि इनके संदर्भ में हर दल से समर्थन आएगा जिस प्रकार से विपक्ष ने और विशेषतः कांग्रेस पार्टी ने उस उस वक्त सतत हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी पर जिस प्रकार की टिप्पणियाँ की मुझे लगता है आदिवासी अंचल में विशेष रूप से उस अप नमस्कार आप सभी जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनबाड़ी का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप आप सभी सभी के 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 बीच में साझा करेंगे ये वीडियो स्थायीकरण या फिर मानदेय वृद्धि पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी वीडियो को पूरा देखें चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर ले चलते हैं अपडेट पर मान की एक कहीं ना कहीं छाप है या कहीं ना कहीं दर्द है आक्रोश है जो मिटा नहीं जहाँ तक अब आदिवासी बहनों की बात या आकांक्षी ज़िलों की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने जब आकांक्षी जिले या फिर प्रधानमंत्री जनमन जो विशेष आदिवासी समुदायों में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुनः उसे सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा तो उन्होंने कम से कम हमारे मंत्रालय में सक्षम आंगनबाड़ी की हमने कल्पना प्रस्तुत की जिसमें देश में दो लाख आंगनबाड़ी जो सिर्फ और सिर्फ हमने एस्पिरेशनल ज़िलों से शुरू की अब आदिवासी अंचल में भी हमारा विशेष ढाई हज़ार से ज़्यादा आंगनबाड़ियों को विशेष सारे रूल्स रिलैक्स करके क्योंकि आंगनबाड़ी बनता है तो उसके आसपास में आबादी कितनी है उसके हिसाब से आंगनबाड़ी चिन्हित होता है आदिवासी अंचल में आबादी शायद उतनी ज़्यादा ना हो फिर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की आंगनबाड़ी स्कूल की सड़क की ज़रूरत है तो आप रूल्स रिलैक्स कीजिए उनके लिए विशेष बनवाइए साथ ही मुझे लगता है सक्षम आंगनवाड़ी की जो कल्पना है वो साधारण आंगनवाड़ी नहीं है भारत नेट से जुड़ा हुआ वो आंगनवाड़ी का स्पेस है ऑडियो विजुअल लर्निंग वहाँ पर डिवाइसेस या फिर इंगेजमेंट्स और प्रोटोकॉल्स उपलब्ध हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है और आज के दशक में अगर हम कहें कि आंगनबाड़ी को सिंपली एक छोटा सा कमरा है वह आंगन